मैं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री श्री उद्धव ठाकरे जी और श्री अजीत पवार साहब से विनती कर रहा हूं कि 31 जुलाई को बकरीद है, ईद उल जुहा है, और हम सब अच्छी तरह जानते हैं कि कोरोना कोविड-19 कम नहीं हो रहा, बढ़ते ही जा रहा है और इसका इलाज अभी तक नहीं आया। इसका इलाज सिर्फ फिजिकल डिस्टेंसिंग है, मास्क पहनना है, लोगों से दूर रहना है, बीमारी बढ़ने ना पाए, इसका पूरा ख्याल रखना है। लेकिन इसी के साथ साथ मैं ये गुजारिश कर रहा हूं कि मुंबई में देवनार या और पूरे महाराष्ट्र में जहां जहां बकरे की मार्केट लगती है, तो उन जगहों पे पूरे बकरे आते हैं, बहुत भीड़ लगती है, तो देवनार, मुंबई में देवनार के साथ साथ अगर कई जगहों पर छोटी छोटी मार्केट लगा दी जाए और उसमें जो खरीदार लोग हैं उनको पास इशू किया जाए, उसमें वक्त फिक्स किया जाए कि इतने बजे जाना है, इतने बजे बाहर निकलना है, कोई जाकर घूमेगा नहीं, और बकरे खरीदने के लिए पूरा परिवार सबको लेकर नहीं, सिर्फ एक से दो लोग एक घर से आए बकरे खरीद के ले जाए, ऐसा कुछ रूल बना दीजिए पूरे महाराष्ट्र में, एक जगह भीड़ न जमा हो, अलग अलग जगहों पर बकरे मिले, और जो बड़ा जानवर कटता है देवनार में या और जहां कटता है वहां बड़े जानवर के कटने का बंदोबस्त कर दिया जाए। ये मेरी सरकार से निवेदन है और मैंने आदरणीय अजीत दादा पवार साहब से बात भी किया है और उन्होंने मुझे मंडे के बाद मिलने का समय दिया है और मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूं कि सारे डिपार्टमेंट के लोग जो इससे कनेक्टेड उनको बुला करके तुरंत लोगों की बेचैनी को खत्म करके एक जो है ना एक अनाउंसमेंट कर दीजिए, एक हुक्म जारी कर दीजिए ताकि हम लोग बकरीद अच्छी तरह से मना सकें। ये मेरी इस वीडियो के माध्यम से तमाम लोगों से गुजारिश है, शुक्रिया।